Assalamu alaikum, dear students. I am Alina Naeem from Department of Zoology, Superior College, Wazirabad. And today I am here with you with lecture number 9 of Wildlife of Pakistan. In this lecture, we are going to discuss about the protected areas of Pakistan. पाकिस्तान में जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज अवेलेबल हैं वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तीन तरह के प्रोटेक्टेड एरियाज पाकिस्तान में प्रेजेंट हैं, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड गेम रिजर्व्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और गेम रिजर्व्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ पाकिस्तान, सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोटेक्टेड एरियाज हैं क्या हमारे पास, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू IUCN व्हिच इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है जी, हम प्रोटेक्टेड एरिया को कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई भी आइसोलेटेड डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया, कोई भी जियोग्राफिकल एरिया जिसे आइसोलेट कर दिया गया है या डिफाइन कर दिया गया है स्पेसिफिकली वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए, उसकी वजूहत क्या हो सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए ही नहीं बल्कि वहाँ की नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल जो वहाँ का कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है, लैंडस्केप, नेचुरल लैंडस्केप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी उस पर्टिकुलर एरिया को कंजर्व किया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है, प्रोटेक्टेड एरिया का स्टेटस दिया जा सकता है, ठीक है। और वो एरिया हमारे पास कोई भी लैंड एरिया भी हो सकता है और कोई वाटर बॉडी भी हो सकती है, ठीक है जी, सी, रिवर, पॉन्ड, लेक, किसी भी तरह की वाटर बॉडी, ठीक है, या किसी भी तरह का टेरेस्ट्रियल लैंड एरिया। और उस एरिया को जो है उसके उसी नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हुए प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म जो नेचुरल बेनिफिट्स के लिए ये प्रोटेक्शन की जाती है, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरियाज तीन तरह के हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड गेम रिजर्व्स। सो लेट्स स्टार्ट कि पाकिस्तान में प्रोटेक्टेड एरियाज बनने कब स्टार्ट हुए और कैसे कैसे जो है वो बनते गए। When Pakistan came into being, जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के पास किसी भी किस्म की कोई पॉलिसी या प्लान नहीं था वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के लिए, ठीक है जी। तो सबसे पहली जो ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में बनी वो 1968 में वाइल्ड लाइफ इंक्वायरी कमेटी थी, 1968 में बनी। यही वाइल्ड लाइफ इंक्वायरी कमेटी पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ लेजिस्लेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज की बेस है, ठीक है। इसी ने जो है फर्दर सारे के सारे रिपोर्ट्स तैयार किए और ऑल ओवर द कंट्री जितने भी वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट थी उसके स्टेटस को जो है वो चेकआउट किया और उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट लेजिस्लेशंस की गई, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्दर बनाई गई, ठीक है, जिसमें हमारे पास मेनली जो है वो NCCA का नाम आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम उसे भी देखते हैं, जितना भी इंडेंजर्ड फ्लोरा और फौना था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जितनी भी एफर्ट्स की वो उन सबसे पहली एफर्ट्स जो थी वो WEC की थी, वाइल्ड लाइफ इंक्वायरी कमेटी की थी, ठीक है। प्रोविंशियल लेवल पे किस तरह प्रोटेक्टेड एरियाज को एलोकेट किया गया और किस तरह जो है वो लेजिस्लेशन की गई, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रोविंशियल लेवल की लेजिस्लेशन और फेडरल लेवल की लेजिस्लेशन, उन सब का जो है उन सब की जो है वो बेसिस WEC ने ही स्टार्ट की। WEC ने जो शुरू में जितने भी स्टेप्स और मेजर्स लिए उनमें हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट था कि उसने प्रोटेक्टेड एरियाज बनाने स्टार्ट किए ऑल ओवर द कंट्री, एलोकेशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है, सारी की सारी जो है वो एलोकेशन कि कहाँ पे जो है वो कितना एरिया किस प्रोटेक्टेड एरिया किस तरह के प्रोटेक्टेड एरिया को अलॉट किया जाएगा, आया कि नेशनल पार्क बनाया जाएगा, सेंचुरी बनाई जाएगी या गेम रिजर्व, और किस तरह के एनिमल्स की प्रोटेक्शन की जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद सारी की सारी लेजिस्लेशन जो प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पे की गई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, उसके बाद हमारे पास NCCW, नेशनल काउंसिल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ की फॉर्मेशन WEC के अंडर ही हुई और नेशनल काउंसिल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ने भी फर्दर जो है वो वाइल्ड लाइफ लेजिस्लेशन के लिए बहुत सारा काम किया। पाकिस्तान में लेजिस्लेशन और कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे वाइल्ड लाइफ को इनकॉर्पोरेट कराने वाली NCCW ही थी। फिर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स जो है वो कायम किए गए, बनाए गए हर प्रोविंस में, ठीक है, हर प्रोविंशियल लेवल्स पे जो है प्रोविंशियल लेवल पे डिफरेंट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट स्टार्ट किए गए और डिफरेंट वाइल्ड लाइफ रिसर्च सेंटर्स बनाए गए, ठीक है, जहाँ पे रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टार्ट किए गए और आज तक जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर द कंट्री डिफरेंट काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स में जो है वो काम कर रहे हैं। और एट द एंड इसने क्या किया कि बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम की करती थी, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज आर वर्किंग अराउंड द ग्लोब
फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो उनसे जो है वो हेल्प और गाइडेंस, फंडिंग और इस तरह की सारी जो है वो हेल्प ली गई कंट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट पॉलिसीज बनाने के लिए और डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास के ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ WEC की रिकमेंडेशन पे ही सबसे पहले 2 नेशनल पार्क स्टार्ट किए गए और 8 जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्टार्ट की गई, 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। फर्दर ऑन अगर 1968 में हमारे पास WEC बनी थी, अगर 1970s की बात करें तो प्रोटेक्टेड एरियाज का नंबर जो है वो नेशनल पार्क 4, 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड 56 गेम रिजर्व तक पहुँच गया। देन अगर हम बात करें NCCW की लेटेस्ट, अगर 2010 की रिपोर्ट की बात करें तो पाकिस्तान हैज़ 234 प्रोटेक्टेड एरियाज एज पर इंफॉर्मेशन बाय NCCW पाकिस्तान 2010, और टोटल एरिया अंडर कंजर्वेशन कितना है हमारे पास 10.91% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, और मेनली 3 ही कैटेगरीज हैं हमारे पास, 3 ही तरह की जो है वो प्रोटेक्शन की प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जाते हैं, इन सीटो कंजर्वेशन के लिए, ऑन साइट कंजर्वेशन के लिए। टेबल में जो है हमारे पास समरी है प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ पाकिस्तान की बेस्ड ऑन NCCW डेटा 2010। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट नेशनल पार्क्स जो प्रोविंस वाइज बनाए गए, ठीक है, हेयर NWFP विल कंट्रीब्यूट टू KPK हैबर पख्तूनहा, आजाद जम्मू एंड कश्मीर, बलोचिस्तान, पंजाब, हैबर पख्तूनहा, सिंध, फेडरल एरियाज और नॉर्दर्न एरियाज में जितने भी जो है नॉर्दर्न एरियाज कंट्रीब्यूट टू गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है, जितनी भी नेशनल पार्क्स, जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और गेम रिजर्व्स बनाए गए और एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान में, कुछ उनमें अनक्लासिफाइड भी हैं जिससे जो है अभी तक क्लासिफाई नहीं किया गया कि वो गेम रिजर्व है, सेंचुरी है या कोई पार्क है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया और टोटल लैंड एरिया कितना वो कवर करते हैं, और उसके अलावा टोटल प्रोटेक्टेड एरिया पाकिस्तान का कितना है, ठीक है जी, 10.91%। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल पार्क्स ऑफ पाकिस्तान की, कि नेशनल पार्क्स पाकिस्तान में कितने हैं, कहाँ हैं, कैसे कैसे बनाए गए। लेकिन उससे भी पहले हम बात करेंगे नेशनल पार्क्स हैं क्या। ठीक है जी, कोई भी नेचुरल सीनिक ब्यूटी वाला एरिया जहाँ पे नेचुरल फ्लोरा और फाना प्रेजेंट है, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स जो नेचुरल किसी भी एरिया में प्रेजेंट है अलॉन्ग विद द लैंडस्केप, अलॉन्ग विद द नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इकोसिस्टम ऑफ दैट इन्वायरमेंट, ठीक है, उसे जगह पे नेचुरली जो कंजर्व किया जाता है, ठीक है, प्रोटेक्ट किया जाता है, उसे हम कहते हैं नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क हैज इट्स ओन बाउंड्रीज एंड पब्लिक एसेस फॉर रिक्रिएशनल, एजुकेशनल और रिसर्च पर्पजेज मे बी अलाउड। ओके, तो ये परमिट्स जो है वो अलो की जाती हैं, परमिट अलो की जाती है कि परमिट इशू की जाती है कि एजुकेशनल, रिक्रिएशनल या रिसर्च पर्पजेज के लिए यू हैव टू गेट परमिशन। आप अगर विजिट करना चाहते हैं किसी भी एजुकेशनल पर्पजेज के लिए, रिक्रिएशनल पर्पजेज के लिए या रिसर्च पर्पजेज के लिए, तो यू हैव टू गेट परमिशन। और उसके बाद असेस रोड्स और अदर फैसिलिटीज शुड बी प्लान। असेस रोड्स और अदर फैसिलिटीज क्या है कि जितने भी रोड्स, वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क्स हैव देयर ओन बाउंड्रीज, ठीक है, बाउंड्रीज के अंदर जब आप जाएंगे तो आप डायरेक्ट एनिमल्स के साथ इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। एनिमल्स को दूर से जो है वो देखने के लिए या उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए, उनसे प्रॉपर डिस्टेंसिंग के लिए वहाँ पे प्रॉपर रोड्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए कि एनिमल्स को जो है वो डायरेक्ट किसी भी किस्म का हार्म ना पहुँचा सकें ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से। ठीक है, हंटिंग इज प्रोहिबिटेड, किसी भी किस्म का जो है वो असलहा नहीं लेके जा सकते प्लांट्स और एनिमल्स को हार्म करने के लिए, और कल्टीवेशन, माइनिंग या किसी भी किस्म के कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए वहाँ का लैंड एरिया जो प्रोटेक्टेड लैंड एरिया है एज अ नेशनल पार्क जिसे डिक्लेयर किया जा चुका है, उसे किसी भी किस्म की कल्टीवेशन, माइनिंग या किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। और इस रेगुलेशन के अंडर जो है जितनी भी रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो अवेलेबल हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रोविंशियल लेवल पे, फेडरल लेवल पे, हर जगह के प्रोटेक्टेड एरिया की एलोकेशन के अकॉर्डिंग वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि वहाँ पे कितनी जो है वो परमिट्स अलो की जा सकती हैं हंटिंग की, या किस तरह जो है वो वहाँ की मैनेजमेंट की जाएगी, किस तरह वहाँ की वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन की जाएगी। ठीक है, तो हंटिंग रिसर्च पर्पजेज के लिए जो है वो अलो किया जा सकता है पार्क विजिट्स को भी, और रिक्रिएशनल पर्पजेज और एजुकेशनल पर्पजेज के लिए भी अलो किया जा सकता है। तो पाकिस्तान में मेजर नेशनल पार्क्स जितने भी हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज इसी लेक्चर में। सिंध में हमारे पास कीर्थर नेशनल पार्क है, पंजाब में
टू नेशनल पार्क्स ऑफ मेजर इंपॉर्टेंस, लाल सुहरा एंड छिंजी, ठीक है जी। और बलोचिस्तान में भी हमारे पास दो नेशनल पार्क हैं मेजर इंपॉर्टेंस के, हिजरगंजी चिल्तन और हिंगोल नेशनल पार्क। अयूबिया नेशनल पार्क जो है हेबर पख्तूनहा में पाकिस्तान का सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है, इसका एरिया सबसे कम है, ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया सबसे कम है। चित्राल गोल नेशनल पार्क और शेख बुद्धीन नेशनल पार्क भी केपीके में, खैबर पख्तूनहा में। गिलगित बल्तिस्तान में हमारे पास जी हुंजराब नेशनल पार्क, सेंट्रल कराकरम, दियोसाई और हंद्रब शंदूर। इसमें से सेंट्रल कराकरम नेशनल पार्क जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है, इसका प्रोटेक्टेड एरिया आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा है। उसके बाद फेडरल एरिया में हमारे पास मारगरा हिल्स नेशनल पार्क है और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का मेजर इंपॉर्टेंस का नेशनल पार्क है जी मछियारा नेशनल पार्क। इनका जितना भी प्रोटेक्टेड एरिया है, इनका जितना भी जो है वो बाउंड्री एरिया है इन नेशनल पार्क्स का, वो गिवन है इस टेबल में। और कब जो है ये बनाए गए, ये नेशनल पार्क्स कब जो है वो इस्टेब्लिश हुए हमारे कंट्री में डिफरेंट प्रोविंसेस में, वो सब के सब डिटेल गिवन है, ठीक है जी। और इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर इज आर सेंट्रल कराकरम इज द बिगेस्ट एंड अयूबिया नेशनल पार्क इज द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ पाकिस्तान। सो हेयर इज़ अ मैप शोइंग नेशनल पार्क ऑफ मेजर इंपॉर्टेंस इन पाकिस्तान। जितने भी पाकिस्तान में मेजर इंपॉर्टेंस के नेशनल पार्क्स हैं उन्हें मैप पे शो किया गया है कि वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं। जैसे हमने देखा था पंजाब में लाल सुहरा और छिंजी था, तो देखिए लाल सुहरा की लोकेशन मैंशन की गई है। कीर्थर नेशनल पार्क सिंध में था तो उसकी लोकेशन मैंशन की गई है। हिंगोल और हजरगंजी चिल्तन बलोचिस्तान में थे तो देयर आर मैंशन इन बलोचिस्तान, ठीक है। जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ के पार्क थे हमारे पास, हुंजराब, सेंट्रल कराकरम, दियोसाई, वो नॉर्दर्न एरियाज़ में ही मेंशन किए गए हैं। मारगरा हिल्स जो है वो हमारे पास फेडरल टेरिटरी में है तो वो भी मेंशन किया गया है। उसके अलावा चित्राल गोल और अयूबिया केपीके में मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल पार्क इन द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, दैट इज कीर्थर नेशनल पार्क। कीर्थर नेशनल पार्क की अगर बात करें तो उसकी फैक्ट फाइल है कि उसके जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स गिवन है, उसकी फिजिकल लोकेशन कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, चूँकि सिंध में प्रेजेंट है तो ऑन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ कराची, ठीक है। और इसका कुछ पोर्शन जो है वो दादू डिस्ट्रिक्ट में भी प्रेजेंट है, ठीक है जी। हेक्टेयर्स में टोटल एरिया हर पार्क का जो है उसकी फैक्ट फाइल में गिवन होगा। और उसकी डेट इस्टेब्लिश कि 1974 में ये इस्टेब्लिश हुआ। और बेस्ट टाइम टू विजिट इज मिड अक्टूबर टू नवम्बर एंड दिसंबर टू मिड मार्च। अगर मैप देखें कीर्थर नेशनल पार्क का तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो है वो पूरा का पूरा मैप है और ये क्लोजअप जो है वो दिखाया गया है कि कीर्थर नेशनल पार्क कहाँ प्रेजेंट है, ये देखें, ठीक है। दो इसके जो है वो टूरिस्ट सेंटर हैं, ये देखें, एक ये टूरिस्ट सेंटर प्रेजेंट है और दूसरा ये, ठीक है, करचट और खर। और दो जो है वो हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो इसके साथ लिंक्ड हैं, उनमें एक है महाल कोहिस्तान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यहाँ ये देखें जूम करके भी मेंशन की गई है, जबकि दूसरी है हब डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये देखें सिंध प्रोविंस और बलूचिस्तान प्रोविंस का बॉर्डर पे हब डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है, ठीक है जी। तो ये इसका मैप दिखाया गया है कीर्थर नेशनल पार्क का। एरिया के लिहाज से जो कीर्थर नेशनल पार्क है पाकिस्तान का चौथा बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है जी। 1975 में दुनिया के नेशनल पार्क्स में इंक्लूड होने वाला पाकिस्तान का पहला नेशनल पार्क। इसके अलावा यहाँ पे एरिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है जिससे रिलेटेड यहाँ पे जोन से भी बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स जो है वो प्रेजेंट हैं, उन्हें हम फर्दर डिस्कस करेंगे। कीर्थर नेशनल पार्क की अगर बात करें तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि पहली बात तो 1/3 पोर्शन जो है इसका वो कराची में जो है वो प्रेजेंट है, जबकि 2/3 जो है वो दादू डिस्ट्रिक्ट के साउथ वेस्ट में लोकेटेड है। और पहले भी हमने डिस्कस किया कि इसके साथ दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लिंक्ड हैं, ठीक है। तो दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अलावा बहुत सारे नेशनल पार्क्स भी हैं जी, सुरजान, सुम्बक, अरी, होथियानो, ठीक है, गेम रिजर्व्स हैं जो कि इसके साथ लिंक्ड हैं, ठीक है। उन गेम रिजर्व्स और इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो इसके साथ लिंक्ड हैं उनका एरिया मिला के और पार्क का एरिया भी कंबाइन करके लार्जेस्ट जो है वो बिगेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया बन जाता है। काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है वो हमारे पास एट अ टाइम जो है वो कंबाइंड अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, चार गेम रिजर्व्स और एक नेशनल पार्क का एरिया आ जाता है, ठीक है जी। टूरिस्ट सेंटर्स की बात करें तो मैप पे हमने देखे थे खार और करचट दो टूरिस्ट सेंटर्स अवेलेबल हैं जहाँ पे लोगों के रहने, सोने और खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता है, ठीक है जी। गाइड्स भी प्रॉपर वहाँ पे अवेलेबल हैं। और अगर रोड्स की बात करें तो
671 kilometers of unmetalled roads are available within the park. वाइल्डलाइफ की अगर बात करें गिरथर नेशनल पार्क में, तो हमारे पास जो है वो सबसे ज़्यादा वाइल्ड गोट्स प्रेजेंट है, यानी कि सिंध आइबेक्स प्रेजेंट है, उरियाज प्रेजेंट है, चिंकारा गजेल प्रेजेंट है, और ये सारे के सारे इनके नंबर्स 1977 की बात है जब काउंट किए गए, तो ये सिर्फ और सिर्फ पार्क में ही नहीं बल्कि जो इसके एडजसेंट गेम रिजर्व हैं सुरजान, सुम्बाक, इरी और हथियानो, वहाँ पे भी जो है वो काउंट किए गए, ठीक है। उसके बाद फर्दर भी हेलीकॉप्टर सर्विस से जो है ये काउंटिंग की जाती है। 2000 में हेलीकॉप्टर सर्विस से जो है वो 3 नेटिव एंगुलेट्स जो हैं इस पार्क के, जिसमें सिंध आइबेक्स, सिंध उरियाल और हमारे पास ब्लैक बक आ जाती है, उनकी काउंटिंग की गई। 2013 का रिसर्च पेपर है एक, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें जब काउंटिंग की गई तो 1200 सिंध आइबेक्स, 1000 उरियाल और 150 चिंकारा गजेल्स वर साइटेड, यानी कि वहां देखे गए। फर्दर अगर हम बात करें तो तीनों की तीनों स्पीशीज जो हैं मेजर प्रेजेंट गिरथर नेशनल पार्क में, तीनों ही कंजर्वेशन इंपॉर्टेंस की हैं, तीनों ही जो है वो किसी ना किसी तरह का बेनिफिट देती हैं इकोनॉमी को, इकोसिस्टम को, ह्यूमन बीइंग्स को, ठीक है जी। 1984 की बात करें तो ब्लैक बक का नंबर जब बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया तो ब्लैक बक्स जो हैं वो यूएसए से लाई गई खर विजिटर सेंटर के अंदर, यानी कि जो दो खर और कुरचट टूरिस्ट सेंटर्स हैं उनमें से एक में कैप्टिव प्रोपगेशन, यानी कि कैप्टिविटी में ह्यूमन असिस्टेंस में उसकी प्रोपगेशन कराने के लिए, उसका नंबर इंक्रीज कराने के लिए वहाँ पे जो है वो यूएसए से इम्पोर्ट करके ब्लैक बक्स जो हैं वो उनकी कैप्टिविटी स्टार्ट की गई, ठीक है। तो प्लान ये था कि वहाँ पे जो है वो ब्लैक बक्स को कैप्टिविटी में जो है वो प्रोड्यूस कराया जाएगा, ठीक है, उनकी ब्रीडिंग कराई जाएगी और फिर जो स्पीशीज नंबर इंक्रीज होगा उसे जो है वो पार्क में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। डिस्टर्बेंस, ह्यूमन डिस्टर्बेंस, वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट एंड डिग्रेडेशन ऑफ हैबिटेट्स आर द मेन थ्रेट्स टू द एनिमल्स लिविंग हियर, पर्टिकुलरली चिंकारा गजेल। फिर हम बात करते हैं मैमल्स की। जितनी भी हम वाइल्ड लाइफ स्पीशीज जो है वो यहाँ देख रहे हैं गिरथर नेशनल पार्क में, वो सिंध प्रोविंस की वाइल्ड लाइफ और थर डेजर्ट जो कि सिंध प्रोविंस में प्रेजेंट है उसकी वाइल्ड लाइफ से रिलेट कर रही हैं, ठीक है। तो हमेशा जो है वो रिलेट करके देखा करें कि एक रीजन में जो भी हमने ऑलरेडी वाइल्ड लाइफ डिस्कस की हुई है, चूँकि अब हम सिंध प्रोविंस के ही गिरथर नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, तो सिंध प्रोविंस की ऑलरेडी जो सिंध प्रोविंस की वाइल्ड लाइफ थी और जो सिंध में थर डेजर्ट प्रेजेंट है वहाँ की वाइल्ड लाइफ रिलेट करती है आपस में। मैमल्स की बात करें तो 34 स्पीशीज ऑफ मैमल्स प्रेजेंट है, सिंध लेपर्ड है हमारे पास, स्ट्रिप्ड हाइना, डेजर्ट वुल्फ, इंडियन फॉक्स, वाइल्ड गोट, सिंध आइबेक्स, ब्लैंडफुट जुरियाल, हनी बैजर, इंडियन पेंगोलिन, कैरेकल, वाइल्ड कैट, जंगल कैट, जैकल और चिंकारा गजेल, ठीक है जी। ब्लैक बक्स, हेजहॉग, पर्क्यूपाइन, इंडियन ग्रे मंगूस और कायरो स्पाइनी माउस और रॉक मूस भी हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। ये सारी की सारी मैमल्स की स्पीशी हैं, थ्रेटेंड फॉर टी, ठीक है जी, कॉमन फॉर सी, रेयर फॉर आर, और ये सारा जो है वो इंडिकेट किया गया है कि उनका वहाँ पे स्टेटस क्या है उस पार्क में, ठीक है जी। बर्ड्स की बात करें तो हमारे पास बहुत सारी बर्ड्स की स्पीशीज भी प्रेजेंट है, जिसमें हमारे पास लेमर गियर, वल्चर से लेकर वल्चर्स, ईगल्स, ग्रे पैट्रजेस, हबारा बस्टर्ड, ठीक है, डिफरेंट पैट्रजेस, ग्राउजेस, बस्टर्ड, वल्चर्स, ईगल्स जो है हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। बर्ड्स की स्पीशीज में आउल भी हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। रेप्टाइल्स की बात करें तो स्नेक्स की बहुत सारी स्पीशीज हमारे पास प्रेजेंट है, जिसमें कोबराज भी आ जाते हैं, पाइथन भी आ जाता है, वाइपर्स आ जाते हैं, क्रेट और रॉयल रेड स्नेक, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें रेप्टाइल्स में तो हमारे पास यहाँ पे टॉर्टाइल्स प्रेजेंट हैं, डेजर्ट लीजर्ड प्रेजेंट है और येलो लीजर्ड, और उसके अलावा कैमिलियन की भी जो है वो स्पीशी प्रेजेंट है। पंजाब प्रोविंस की अगर नेशनल पार्क की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाल सुहंदरा नेशनल पार्क की, ठीक है जी। लाल सुहंदरा नेशनल पार्क कहाँ जो है वो प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है वो हमारे पास चोलिस्तान डेजर्ट प्रेजेंट है, ठीक है जी। तो लाल सुहंदरा नेशनल पार्क जो है 1971 में वाइल्ड लाइफ इंक्वायरी कमेटी की रिकमेंडेशन पे 1972 में डिक्लेयर किया गया इसे नेशनल पार्क,
और ओरिजिनल इसका एरिया जो था वो 31,355 हेक्टेयर्स था, ठीक है, जिसमें कुछ एरिया डेजर्ट का है, कुछ इरिगेटेड फॉरेस्ट प्लांटेशन का है, कुछ रिजर्वायर्स का, ठीक है। अब रिजर्वायर्स इसमें कौन से हैं? दो, एक तो हकरा रिवर का ड्राइड बेड जो है वो क्रॉस करता है यहाँ यहाँ पर, और हकरा रिवर जो है उसमें पानी सिर्फ मानसून के दिनों में आता है, ठीक है, मानसून सीजन में, ठीक है। और सतलुज, दरियाए सतलुज और दरियाए हगार जो है वो इंडिया से और सतलुज पाकिस्तान, वहाँ से जो है ये पानी लेता है, और यूजुअली जो है ये ड्राइड ही होता है ऑल अराउंड द ईयर, और सिर्फ जो है वो कुछ अरसा के लिए इसमें पानी आता है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट वेटलैंड है जी पतीसर लेक, जो कि पार्क के सेंटर में लोकेटेड है पतीसर लेक, और वो इम्पॉर्टेंट जो है वो हैबिटेट प्रोवाइड करती है बहुत सारे बर्ड्स के लिए। पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने जो है वो यहाँ पर भी जो है वो रिजॉर्ट बनाया हुआ है पार्क में, ठीक है, और कैंपिंग साइट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है, विद परमिशन जो है वो कैंपिंग साइट्स में कैंपिंग भी की जा सकती है। डिटेल अबाउट लाल सोहंडा नेशनल पार्क कि इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, 36 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ बहावलपुर इन पंजाब, टोटल एरिया 86,426 हेक्टेयर्स, और 1972 में ये इस्टेब्लिश हुआ, अक्टूबर टू मार्च इसका बेस्ट टाइम टू विजिट है। वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है हमारे पास ब्लैक चोलिस्तान डेजर्ट वाली वाइल्ड लाइफ जो है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट होगी, ऑलमोस्ट वही वाइल्ड लाइफ, ठीक है, जिसमें हमारे पास ब्लैक बक्स, गजेल, चिंकारा गजेल, नील गाय, ब्लू बुल जिसे हम कहते थे, और एंटीलॉप, और उसके अलावा हॉक डियर्स वगैरह प्रेजेंट हैं, ठीक है जी। तो ब्लैक बक्स की बात की जा रही है कि चोलिस्तान डेजर्ट में तो वो वर्चुअली एक्सटिंक्ट यानी कि अब देखने में नहीं मिलती, लेकिन लाल सोहंड्रा में बहुत सारी कैप्टिविटी में जो है वो ब्लैक बक्स को कंजर्व किया गया है और स्टोर किया गया है, वहाँ पे जो है वो थ्राइव करती हैं। पतीसर लेक को वंस अगेन डिस्कस किया जा रहा है कि पतीसर लेक जो है वो बिग लेक है इन द सेंटर ऑफ पार्क, और बर्ड्स जो है यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स की स्पीशीज रिजाइड करती हैं, और यहाँ पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ बर्ड डिफरेंट डक्स और कॉमन क्रोट्स ही नहीं बल्कि बहुत सारे बर्ड्स ऑफ प्रे भी हैं, यानी कि बर्ड्स ऑफ प्रे हम उन्हें कहते हैं जो कि प्रीडेटर्स होते हैं, रैप्टर्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा डक्स, कॉमन क्रूट, वाटरफॉल्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। मैमल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट मैमल्स प्रेजेंट हैं उनमें हमारे पास जी हॉग डियर, नील गाय, ब्लैक बक, चिंकारा गजेल, हेज हॉग, रेड फॉक्स, बंगाल फॉक्स, गोल्डन जैकल, कैरकल कैट, मंगूज, जंगल कैट, इंडियन वुल्फ, वाइल्ड बॉर, हनी बैजर, सिविट, हेयर और ऑटर जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। थ्रेटन्ड, वल्नरेबल, रेयर, कॉमन और अननोन स्टेटस जो है वो मेंशन किया गया है। बर्ड्स की अगर बात करें तो हमारे पास वल्चर्स भी हैं, फैल्कन्स भी हैं, बारा बस्टर्ड भी है, हॉक्स भी हैं, ठीक है जी, और बहुत सारे, और एक बार्न आउल भी प्रेजेंट है, ठीक है। रेप्टाइल्स की अगर बात करें तो हमारे पास मॉनिटर लीजर, रसल वाइपर, इंडियन कोबरा, सास केल्ड वाइपर, जॉन सैंड बोआ और स्पाइनी टेल लिजर्ड, यानी कि लिजर्ड्स और स्नेक्स की स्पीशीज प्रेजेंट है, जिस तरह हमारे पास चोलिस्तान में भी लिजर्ड्स और स्नेक्स प्रेजेंट थे। बलूचिस्तान के नेशनल पार्क की बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हजरगंजी चिल्तन नेशनल पार्क, ठीक है जी। हजरगंजी चिल्तन नेशनल पार्क की बात करें तो स्पेसिफिकली चिल्तन जो नेम है वो इंडिकेट करता है कि चिल्तन मारहोर की स्पीशी हम पढ़ चुके हैं जो पाकिस्तान में प्रेजेंट है। स्पेसिफिकली चिल्तन मारहोर की कंजर्वेशन के लिए ये बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पे जो है मोस्टली माउंटेनियस एरिया प्रेजेंट है, ठीक है, विद प्रेस्टिशियस स्लोप्स डिवाइडेड बाय रेविन्स, ठीक है। तो रेविन्स जो है वो डीप स्टीपी एरियाज हैं, ठीक है, और ये चिल्तन और हजरगंजी हिली रेंज पे जो है वो प्रेजेंट है वेस्ट में, ठीक है, बलूचिस्तान में, और क्वेटा से जो है वो यहाँ पे इजीली जो है वो क्वेटा से अप्रोचेबल है, ठीक है, और यहाँ पे म्यूजियम भी है, पिकनिक स्पॉट, और उसके अलावा अकोमोडेशन फैसिलिटीज भी हैं जिसकी वजह से जो है वो इसे विजिट किया जाता है। 1980s में जो है ये पार्क इस्टेब्लिश हुआ और इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ठीक है। साउथ वेस्ट ऑफ क्वेटा में प्रेजेंट है जी, इन द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान, इजीली अप्रोचेबल फ्रॉम द क्वेटा सिटी, एरिया गिवन है इसका और बेस्ट टाइम टू विजिट। वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें तो प्राइमरीली जो है वो इंडेंजर्ड चिल्तन वाइल्ड गोट या इंडेंजर्ड चिल्तन मारखोर के लिए जो है ये इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। 1980s में इस्टेब्लिश हुआ तो उससे पहले की बात है कि 1950s का जिक्र है कि 1200 जो है वो चिल्तन मारखोर हमारे पास अवेलेबल थे उस एरिया में, लेकिन 1970s तक यानी कि 20 सालों में ही उसका नंबर इतना ड्रॉप हुआ कि तकरीबन सिर्फ हमारे पास जो है वो 200 उनका पॉपुलेशन नंबर रह गया,
ठीक है। और अब विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस नेशनल पार्क, उसका नंबर जो है वो अप टू 800 जो है वो इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सुलेमान मारखोर भी प्रेजेंट है इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द चिल्टन रेंज, ठीक है। उसके अलावा कुछ रियाल्स प्रेजेंट हैं वेस्टर्न स्लोप्स पे, और स्ट्रिप्ड हाइना और रेड फॉक्स भी जो है वो प्रेजेंट हैं एज कॉर्निवोर्स। मैमल्स की बात करें तो चिल्टन मारखोर, सुलेमान मारखोर, उरियाल, इंडियन वुल्फ, स्ट्रिप्ड हाइना, लेपर्ड, कैराकेल, जैकल, रेड फॉक्स, पार्क्यूपाइन और डेजर्ट हेयर। जबकि बर्ड्स में हमारे पास वल्चर्स हैं, ग्रीफन वल्चर, इजिप्शियन वल्चर है, ठीक है, फैल्कन्स हैं, लेगर फैल्कन, प्रेग्रिन फैल्कन, ठीक है, शाहीन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्पैरो हॉक और कॉमन कुकू और हबारा बस्टर्ड भी जो है वो यहाँ पे, अब माइग्रेटरी बर्ड भी यहाँ पे जो है वो आता है अपना ब्रीडिंग सीजन स्पेंड करने, विंटर सीजन, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे जो है वो बर्ड्स प्रेजेंट हैं, वार्बलर्स हैं जिसमें, और वीट ईटर्स भी आते हैं। रेप्टाइल्स की बात करें तो मॉनिटर लिजर, रसल्स वाइपर, सास टेल वाइपर, स्पाइनी टेल लिजर, ठीक है। तो रेप्टाइल्स में एज यूजुअल जैसे हमारे पास सिंध में हमने पढ़े थे कि स्नेक्स और लिजर्ड्स ही मोस्ट कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ पे भी स्नेक्स और लिजर्ड्स ही मोस्ट कॉमन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंगोल नेशनल पार्क भी। हिंगोल नेशनल पार्क भी जो है वो बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में लोकेटेड है। हिंगोल नेशनल पार्क जो बलूचिस्तान में लोकेटेड है, ठीक है, तीन बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है। उसके अंदर जो है वो इसका एरिया इंक्लूड है गवादर, लिसबेला और अवारान, ठीक है। उसके बाद ये जिस एरिया में लोकेटेड है वहाँ पे एरिड सब ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट है, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली ही जो है वो वेजिटेशन प्रेजेंट होगी, और सैंड से जो है इसका बहुत सारा एरिया जो है, लार्ज ट्रैक्स जो है इसके आर कवर्ड विद सैंड, ठीक है। तो हम इसे एज अ कोस्टल सेमी डेजर्ट भी कह सकते हैं। कोस्टल क्यों? क्योंकि ये कोस्टल एरिया के बहुत करीब है, ठीक है, जो भी बलूचिस्तान का कोस्टल एरिया है वहाँ से बहुत करीब है, ठीक है जी। तो अगर बात करें कोस्टल एरिया की, हमने डिस्कशन की, तो हिंगोल रिवर जो है, हिंगोल रिवर फ्लोज और एंड एम्पटाइज इन टू द अरेबियन सी, ठीक है। तो हिंगोल रिवर जब अरेबियन सी में एम्पटाइज होता है तो वहाँ पे एस्चरी बनती है, ठीक है। एस्चरी हम कैसे एरिया को कहते हैं, जहाँ पे एक तरफ से जो है वो रिवर या स्ट्रीम का फ्रेश वाटर आ रहा होता है और दूसरी तरफ से जो है वो सी वाटर जो है वहाँ पे मिक्स होता है, ठीक है। इनक्लोज एरिया होता है वहाँ पे, वाटर इनक्लोज वाटर एरिया, वहाँ पे मिक्सिंग होती है फ्रेश और मरीन वाटर की, उसे हम एस्चरी कहते हैं, ठीक है। तो जो हिंगोल रिवर की एस्चुरी है जहाँ से वो एम्पटाइज होता है, एम्पटी होता है जी जाके अरेबियन सी में, तो वो भी जो है वो इस पार्क के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। और उसकी वजह से वहाँ पे जो है वो वैरायटी ऑफ सिग्निफिकेंट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज आर प्रेजेंट, ठीक है, बर्ड्स और फिशेज की सिग्निफिकेंट स्पीशीज वहाँ पे प्रेजेंट है। स्टाफ की बात करें तो 20 स्टाफ मेंबर्स इंक्लूडिंग 18 गेम वॉचर्स, 2 डिप्टी रेंजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द पार्क अंडर द गाइडेंस ऑफ द पार्क मैनेजर, ठीक है। तो जब हमने लेजिस्लेशन डिस्कस की थी तो हमने देखा था कि हर जो है वो जगह की मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर वहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो असाइन होते हैं, गवर्नमेंट मैनेजमेंट ऑफिसर्स, वो जो है वो कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं कि कितने लोग जो है वहाँ पे एज ए सिक्योरिटी और एज अ गेम वॉचर जो है वो काम करेंगे, ठीक है। जो भी मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी जितनी भी कंजर्वेशन मेजर्स होती हैं वो सारी अकॉर्डिंगली ली जाती हैं। जियोग्राफिकल लोकेशन गिवन है, और उसके अलावा इसकी फिजिकल लोकेशन मकरान कोस्ट बलूचिस्तान, ठीक है जी, तो कोस्टल एरिया पे ही लोकेटेड है, इसीलिए जो है वो हिंगोल रिवर की एस्चुरी भी इसके अंदर इसकी बाउंड्रीज में आती है, ठीक है जी। तो उसके बाद अगर एरिया देखें तो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा नेशनल पार्क है, 1988 में जो है इस्टेब्लिश हुआ। इट इंक्लूड्स द धुरुन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखेंगे तो धुरुन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इसका एरिया जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ लिंक्ड है, और बेस्ट टाइम टू विजिट इज मिड अक्टूबर टू नवंबर एंड दिसंबर टू मिड मार्च। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो इन एडिशन टू अ लॉट ऑफ बर्ड स्पीशीज, बहुत सारी थ्रेटन्ड इनवर्टिब्रेट स्पीशीज को भी जो है ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, हैबिटेट प्रोवाइड करता है। और अगर बात की जाए कौन कौन से एनिमल्स यहाँ प्रेजेंट है, तो आइबेक्स हैं, उसके अंदर उरियाल और चिंकारा हमारे पास आ जाते हैं मेनली, और उसके अलावा बर्ड्स के अंदर बहुत सारे रेजिडेंट और माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है, वहाँ के नेटिव बर्ड्स भी, लोकल बर्ड्स भी, और बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी। हुबारा बस्टर्ड की अगर बात करें तो हुबारा बस्टर्ड जो है वो हुबारा बस्टर्ड के अलावा डेलमेटियन और स्पॉट बिल्ड पेलिकन, ठीक है जी, ये जो है रेगुलर विजिटर्स हैं, यानी कि माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो यहाँ आते हैं रेगुलरली हर साल, ठीक है। रिवर हंगोल की बात करें तो रिवर हंगोल जो है वहाँ पे जो मार्श क्रोकोडाइल है, जो पाकिस्तान का वाहिद क्रोकोडाइल स्पीशी है, जिसे हम कहते हैं जी मगर क्रोकोडाइल, ठीक है। तो वहाँ पे जो है रिवर हंगोल हैज़ बीन नर्चरिंग क्रोकोडाइल्स फॉर सेंचुरीज, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत
बहुत लंबे अरसे से जो है वो क्रोकोडाइल्स वहाँ रहते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं, ब्रीड करते हैं, फर्दर जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा फ़िश है, पाकिस्तान की नेशनल फ़िश भी है महाशीर, ठीक है, एंडेमिक और थ्रेटन स्पीशी है, वो भी वहाँ पे हिंगोल रिवर में जो है वो लोकेटेड है, ठीक है जी। मैमल्स की बात करें तो सिंध लैपर्ड, इंडियन फॉक्स, जंगल कैट, जैकल, सिंध वाइल्ड गोट, ठीक है जी, सिंध वाइल्ड गोट हम सिंध आइबेक्स को भी कहते हैं, ठीक है। ब्लैंड फोर्ड जुरियाल, चिंकारा गजेल, हनी बैजर, इंडियन पैंगोलिन, इंडियन पैंगोलिन जो है वो स्केली एंट ईटर होता है, ठीक है जी। हेजहॉग, पार्क्यूपाइन, इंडियन ग्रे, मंगूज, कायरो, स्पाइनी माउस एंड रॉक माउस, ठीक है। तो इनकी स्टेटस गिवन है कि वहाँ पे उस एरिया में जो है ये थ्रेटन है, वल्नरेबल है, रेयर है या कॉमन है, ठीक है। बर्ड्स की बात करें तो हुबारा बस्टर, डेलमेटियन और स्पॉट बीट पेलिकन तो हो गए हमारे पास माइग्रेटरी बर्ड्स। तो रेजिडेंट बर्ड्स की नंबर ऑफ स्पीशीज हमारे पास प्रेजेंट है, जिसमें हमारे पास ईगल की बहुत सारी स्पीशीज हैं, वल्चर्स की बहुत सारी स्पीशीज हैं, वल्चर्स की फैल्कन्स हैं, ठीक है, पैट्रोचेज हैं, ग्राउजेज हैं, सैंड ग्राउजेज हैं, ठीक है, और उसके अलावा वुड पैकर, और उसके अलावा श्राइक्स और वीटियर्स, ठीक है जी। रेप्टाइल्स की बात करें तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द मार्श क्रोकोडाइल, मगर क्रोकोडाइल प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। के अलावा बहुत सारे टर्टल्स प्रेजेंट हैं, चूंकि टर्टल कोस्टल एरिया है इसलिए बहुत सारे टर्टल्स भी प्रेजेंट हैं, और उसके अलावा डेजर्ट लिजर्ट प्रेजेंट है, और लिजर्ट की दो स्पीशीज प्रेजेंट हैं अलोंग विद कैमिलियन। अब बात करेंगे हैबर पख्तूनहा प्रोविंस के नेशनल पार्क्स की। सबसे पहले है उसमें हमारे पास अयूबिया नेशनल पार्क, ठीक है जी। अयूबिया नेशनल पार्क जो है वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क और सबसे छोटा नेशनल पार्क जो है वो अयूब है, ठीक है, वो इसके बिल्कुल करीब ही जो है वो लोकेटेड है, ठीक है। और हम सिर्फ मेजर इंपॉर्टेंस के नेशनल पार्क डिटेल में देख रहे हैं, तो हमारे पास अयूबिया नेशनल पार्क जो है इज़ वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंस नेशनल पार्क। इसकी लोकेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, और उसके अलावा इट इज़ लोकेटेड नॉर्थ ऑफ मरी इन द हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है। एरिया है इसका, जब ये इस्टेब्लिश हुआ था तब इसका एरिया 16,084 हेक्टेयर्स था, ठीक है, जो कि अब इंक्रीज हो चुका है 3,312 हेक्टेयर्स पे, ठीक है। डेट इस्टेब्लिश 1984, मार्च टू सेप्टेम्बर इज द बेस्ट टाइम टू विजिट। अयूबिया नेशनल पार्क इज़ अ स्मॉल नेशनल पार्क इन द मरी हिल्स, और इनिशियल एरिया इसका 1684 हेक्टेयर्स था, जो कि एक्सपेंड हो चुका है आफ्टर द 1998 नॉर्दर्न एक्सटेंशन, और अब है जी 3,312 हेक्टेयर्स, ठीक है। और अगर इसकी इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम की बात करें तो हिमालयन टेम्परेट फॉरेस्ट में जो है ये लोकेटेड है, ठीक है। हिमालयन टेम्परेट फॉरेस्ट जो है यहाँ पे हैं, प्रेजेंट हैं, और 7 मेजर विलेजेस और 3 स्मॉल टाउन जो है वो इसे सराउंड करते हैं, जिसमें हमारे पास नथिया गली, अयूबिया और हांसपुर आ जाता है, ठीक है। अयूबिया नेशनल पार्क इज सराउंडेड बाय रिजर्व फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जो है वो प्रेजेंट है इसके वेस्ट और साउथ साइड्स पे, ठीक है। मोस्टली जो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म जो है वो पाइन्स ट्रीज जो है, पाइनस ट्रीज जो है सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, पाइन फॉरेस्ट, और बहुत सारे जो है वो लार्ज और स्मॉल मैमल्स को यहाँ पे जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। और यूबिया नेशनल पार्क की अगर बात की जाए एज अ टूरिस्ट स्पॉट, तो इट इज़ अ मेजर रिक्रिएशनल एरिया, और बहुत सारे जो है वो लोकल टूरिस्ट भी यहाँ पे विजिट करते हैं, इस्लामाबाद और एबटाबाद से मोस्टली। और वैसे अगर बात की जाए ओवर रफ एस्टिमेट्स, तो और तकरीबन जो है 1 लाख विजिटर्स हैं यहाँ के पर ईयर। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ पे लेपर्ड्स और ब्लैक बियर्स प्रेजेंट हैं, उसके अलावा बर्ड्स की ग्रेट वैरायटी जो है वो यहाँ प्रेजेंट है, नेटिव बर्ड्स भी है, रेजिडेंट स्पीशीज, और उसके अलावा जो है वो माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ से जो है वो गुजरते हैं, सम ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स व्हेन दे आर माइग्रेटिंग। और रेयर बर्ड्स स्पीशीज की बात करें तो कोकलास फीजेंट और खलीज फीजेंट जो है वो यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, और खलीज फीजेंट जो है उसके 30 इंडिविजुअल्स आर नाउन टू एग्जिस्ट इन द पार्क। ये हमारे पास जी कोकलास फीजेंट है और खलीज फीजेंट है। मैमल्स की अगर बात करें तो एशियाटिक लेपर्ड, ब्लैक बियर, येलो थ्रॉटेड मार्टन, कश्मीर फॉक्स, रेड स्क्विरल, हिमालयन पाम सिवेट, मास्क सिवेट और रेसिस मकैकी जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, मकैका मलाटा, रेसिस मंकी जिसे हम कहते हैं। बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स जो हैं वो गोल्डन ईगल, हिमालयन ग्रेफियन वल्चर, वल्चर्स हैं, ईगल्स हैं, ठीक है जी, हॉक्स हैं, पिजन, डव, दो तरह की हमारे पास स्पॉटेड और कॉलर्ड प्रेजेंट है यहाँ पर, प्रेजराइन फैल्कन भी है जो कि शाहीन है, स्टेट बर्ड ऑफ पाकिस्तान।
ये हमारा जो है आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और आज का लेक्चर जो हमारा ये था नेशनल पार्क्स वाला, ये अभी हाफ जो है वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है। आज हमने देखा कीथर नेशनल पार्क, लाल सुहनरा, हजरगंजी चिल्तन, हिंगोल और अयोध्या, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और मेजर नेशनल इंपॉर्टेंस के जो है वो नेशनल पार्क्स को जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, और वो इस लेक्चर का पार्ट बी होगा, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 9 का पार्ट ए था, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लेक्चर नंबर 9 का पार्ट बी, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच।